जिंदगी में जब तक अल्लाह राजी तब तक जिंदगी सेट है, जब अल्लाह नाराज है तो बस समझे कि हमारा बुरा टाइम शुरू हो गया, बुरा टाइम शुरू हो गया, बुरा टाइम। अब हमारा क्राइटेरिया ये है, हमारा लॉस ये है, फलाना इंसान हमें छोड़ गया तो बस जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन क्राइटेरिया सहाबा का था प्लेजर ऑफ अल्लाह, कि जब तक अल्लाह है चाहे मैं सड़क पे भी आ जाऊं, चाहे मैं जेल में भी चला जाऊं, चाहे मैं नहता हो जाऊं, चाहे मेरी दौलत चली जाए, चाहे मैं बिल्कुल फुटपाथ पे आ जाऊं, जब तक मेरे पास अल्लाह है तो मैं सबसे अमीर आदमी। जैसे इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह ने एक सेंटेंस कहा था, ही सेड के व्हाट कैन माय एनिमीज डू टू मी, मेरे दुश्मन मेरा क्या कर सकते हैं, वेयर एवर आई गो माय पैराडाइज इज विद मी, जहां भी मैं जाऊंगा मेरी जन्नत मेरे साथ जाएगी, इफ दे एक्सपेल मी, अगर वो मुझे निकालेंगे तो ये मेरे लिए सियाहत है, मैं सियाहत करूंगा, अल्लाह ताला के साइंस देखूंगा, अल्लाह की हम बयान करूंगा। इफ दे कन्फाइन मी, अगर वो मुझे जेल में बंद करते हैं, दैट इज सॉलिट्यूड टू मी, तो फिर मुझे मौका मिल जाएगा अल्लाह की इबादत करने का, मैं सॉलिट्यूड में आ गया। एंड इफ दे किल मी देन इंशाल्लाह आई विल गो टू पैराडाइज, सो व्हाट कैन माय एनिमीज डू टू मी। यानी इस तरह की एम्पावरमेंट, इतनी बहादुरी, इतना करेज कि मेरे दुश्मन मेरा बिगाड़ क्या सकते हैं, हर जगह तो मैं जन्नत लेकर जाता हूं, वेयर एवर आई गो आई कैरी फॉरवर्ड माई जन्ना विद मी। इस तरह के इंसान को और इस तरह की कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हम जिंदगी में शिकस्त क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारा क्राइटेरिया अल्लाह का प्लेजर नहीं है, हमारा क्राइटेरिया लोगों का प्लेजर है। फलाना मुझसे कितना खुश है, फलाना मुझसे जो है पता नहीं राजी है कि नहीं है। हालांकि लोगों को राजी करने में कोई मसला नहीं है, बल्कि हदीस में आता है कि जो कोई अल्लाह की मखलूक को खुश करता है अल्लाह उससे खुश होता है, लेकिन नॉट ऑन द एक्सपेंस ऑफ डिसप्लीजिंग अल्लाह सुभानहू व तआला, ये फलसफा है। तो जब उस जात को छोड़ के हम लोगों के पीछे भागेंगे, उस जात को भुला के हम लोगों के आगे हाथ फैलाएंगे, हालांकि हमें अल्लाह ताला का पता नहीं कि अल्लाह ताला की पावर क्या है, दिलों का कंट्रोल अल्लाह के हाथ में। अल्लाह चाहेगा किसी का दिल फेर देगा हमारे लिए, चाहेगा उसके दिल में मोहब्बत शफकत भर देगा, चाहेगा उसके दिल में हमसे दूरी हमसे नफरत भर देगा, ये अल्लाह ताला के कंट्रोल में है। सो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड के एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डिसप्लीज्ड विद मी देन नथिंग एल्स मैटर्स, जब तक अल्लाह आप राजी हैं तब तक हर चीज सेट है। इसलिए देखिए अभी से ये माइंडसेट बना लीजिए, जॉब नहीं है, जिंदगी में कोई मुश्किल चल रही है, जिंदगी में कोई डिफिकल्टी आ गई है, जब तक इक्वेशन में अल्लाह है, जब तक आपका ताल्लुक अल्लाह के साथ है, कुछ नहीं गया, कोई लॉस लॉस नहीं है, ये दुनिया के लॉस आर नथिंग। लेकिन अल्लाह चला गया, अल्लाह इक्वेशन से आउट है, तो फिर ये सबसे बड़ा लॉस। अब ये सौदा फिर आपने खुद करना है।